वैसे तो सभी हैं, सारे बेहतरीन है। बच्चे काफी ज्यादा मुतासिर होंगे, अच्छा माहौल है। कितने लेके जा रही है? बस दिल तो चाह रहा है सारा ही उठा के ले जाए। सारे जानवर माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक है। नहीं दिला रहे? दिला रहे, दिला रहे हैं। ले ली? नहीं, इसके अलावा और कोई काव पसंद नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद निज़ाम। आज हम मौजूद हैं कराची एक्सपो में, जहां पर डेल्फा कैटल फार्म का बहुत बड़ा अरेंजमेंट मौजूद है और यहां पर पाकिस्तान भर से बहुत ज़बरदस्त से जानवर मौजूद हैं। हर एक कैटल फार्म यहां पे मौजूद है, एक से एक जानवर यहां पे मौजूद है और फैमिलीज़ का यहां पे बहुत ज़्यादा जो है रश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे फैमिलीज़ यहां पर आ रही हैं अपने बच्चों के साथ और बहुत इंजॉय कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, फैमिलीज़ से उनके रिव्यूज़ देते हैं कि उनको कितना मज़ा आया और कैसे कैसे उन्होंने जानवर यहाँ पर देखे। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी तक तो अच्छा है माशाल्लाह। मैं बस अभी कुछ आधा घंटा हुआ है बच्चों के साथ आया हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ हैं? फैमिली के साथ आया हूँ। तो मैं, कैसे लगे यहाँ के जानवर? बहुत अच्छे आए हुए हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है डेल्फा जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है, अरेंजमेंट अच्छा है। मुझे भी खास तौर पर, मेरी कल फैमिली ने विज़िट किया था, उन्होंने स्पेशली रिकमेंड किया था कि आप जाएँ और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होंगे, अच्छा माहौल है। जो जानवर मैंने देखे हैं वो मेरे नहीं ख्याल के हम लोग खरीद पाए। बड़े से बड़ा आदमी यही कह रहा है, मतलब नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जैसे कहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी जिस फॉर्म से भी वो आए हुए हैं, जिस फील्ड से भी वो आए हुए, कैटल फील्ड से भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे, उनकी नस्ल बहुत अच्छी है, उनकी जिसामत बहुत अच्छी है, उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है। मेरा नहीं ख्याल कि आम इंसान की, बिल्कुल बिल्कुल आम इंसान तो नहीं ले सकता। अब तक क्या आपको कौन से कैटल फार्म का जो है ना जानवर बहुत अच्छा लगा? मैं अभी ये जो पीछे ये वाला है, यहाँ से मैं होकर आया, उसके बाद फिर मैंने लियाकत अली खान को भी टच किया, लेकिन वहाँ पर जो सूरती वगैरह वाली, सूरती वगैरह जो है वहाँ पर बहुत अच्छे। और आपके पास बछड़ियाँ ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से ना? जी जी बिल्कुल, बछड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं या फार्म में ज़्यादा? नहीं, हम जो ये धूम कैटल है ये फेमस भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ियों के हवाले से ही है। अच्छा जी, तो आपके पास ये ऐसा कौन सा ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता भी है और उसकी बहुत धूम है और शौकीन उसको देखने भी आएंगे और लेने भी आएंगे, तो वो ऐसा आपके पास कोई ऐसा ब्रीड है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, उसमें से दो जानवर मैंने जो यहाँ एक्सपो में सेल भी किए हैं। अच्छा, वो दोनों ही सेल हुए हैं? जो सेल हुए हैं, इसके अलावा एक और ये खड़ा हुआ है अभी मौजूद यहाँ पर। सही। अब जैसे ये बछड़ा है ये स्लेगर ब्रह्मन ब्रीड में है, ये कुर्बानी लवर्स जो है इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनकी ब्यूटी, इनकी हाइट और इनका वेट जो है ना वो दूसरे जानवरों के नस्बत जल्दी जो है वो ग्रोथ भी करता है। इसकी एज क्या है? इसकी एज भी तकरीबन 3 साल है, ये दांतों में अभी फ्रेश 4 हो रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह। आप अगर इस मकसद से सोच कर आ रहे हैं कि हमने कुर्बानी का जानवर लेना, तो ये फ़िलहाल उसके लिहाज से तो नहीं है ये जो एक्सपो के अंदर, वो तो ये देख रहे हैं। ये ऐसा समझ लें जैसे आप किसी जू में आए हैं, आप जू में जैसे जानवर देखने आते हैं ना ऐसे हैं, क्योंकि इनके जो प्राइस हैं वो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के तबके भी नहीं बाइंग कर सकते। एक जानवर की कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में कीमत है यहाँ पर। तो आप सिर्फ एक उस नज़रिए से सोच कर आएँ कि बच्चों के फैमिली के एंजॉयमेंट के लिए हम आ रहे हैं, खरीदने के लिए हैं। हाँ, पिक्चर्स के लिए आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर है अच्छी चीज़ है वैसे? वैसे सर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, खूबसूरती भी है, वज़न भी है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग प्राइस ब्रैकेट सुनते हैं तो वो लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, तो वो उनकी बजट से नहीं होती चीज़ें। बस कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा लगा। हर बार की तरह इस बार भी? थर्ड टाइम लगे? आप आए से पहले, इससे पहले भी आई? बिल्कुल, हर टाइम आते हैं, हर साल। फिर कोई पसंद आया लेके जाने के लिए घर? बहुत पसंद आए, बहुत ज्यादा पसंद आए। कितने लेके जा रही हैं? बस दिल तो चाह रहा है सारा ही उठा के ले जाए। एक में घर चला जाएगा? बस एक ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। पक्का हो गया यानी के? नहीं, अभी तो देख रहे हैं, अभी तो अभी आए हैं हम। अच्छा जी, तो अभी तक क्या आपने पूरा जो है घूमे? नहीं, अभी रिव्यू नहीं किया हमने सारा, अभी हम स्टार्ट हुए हैं देखना। चलें जी, अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, फैमिली आ रही है, कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं सुनने को हो रही और सारे अपने आराम सुकून से इवेंट इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताएंगे माशाल्लाह, ये भी आपका, ये मेरे को बहुत प्यारा, आप देख सकते हैं, ये भी ब्रह्मन ब्रीड का बछड़ा है, रेड एलिफेंट इसका नाम है। रेड एलिफेंट। और उसका क्या नाम था? वो V8 है। वो V8। अच्छा, आपके सारे जानवरों के नाम है माशाल्लाह? सबके नाम। किसका बनाएंगे? ये मोजो है, मोजो।
मोजो। अच्छा, ये नाम पे सुनते भी हैं? नहीं, नाम पे सुनते नहीं, अपने कैटेगरी वाइज हमने नाम रखे हैं। हाँ, पहचानने के लिए, पहचानने के लिए, ताकि जब इनका हमारे पास शूट होता है, जब इनकी हम वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उनका फिर नीचे नाम लिख देते हैं। चलें ठीक है, सही है सर, आप बस मुझे अपना नंबर बता दें ताकि आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो कैसे आप करें। 0307-2613-034 और घारो नियर कैफे इमरान रेस्टोरेंट है, उसके पास हमारा फार्म लोकेटेड है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त फार्म लगा। मैं ये बताएंगे, यहाँ पर आया आपको कैसा लगा, इंजॉय किया? जी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया जी। कैसे जानवर हैं? बहुत हैवी, अच्छे जानवर। बहुत हैवी जानवर, तो आप घूम सकते हो लेकिन? जी हैं, पक्का? भागेंगे तो नहीं? नहीं। तो खुलवाएं? नहीं, अभी तक कोई भी जानवर नहीं खुलवा के घुमाया? नहीं। सबसे फेवरेट किसका लगा, सबसे पसंद किसका आया जानवर? सुरती। सुरती वालों का सबसे बहुत ज़बरदस्त जानवर। हाँ। तो आप खरीद सकते हो, इतने रेट हैं? खरीद सकते हैं, पापा से तो पूछ लो, पापा ने दिलाना है। आप दिलाएंगे? हाँ, हम ले लेंगे, कोई अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आई है, जाहिर सी बात है, अभी इन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है, ब्रांड के हिसाब से इन्होंने अपने रेट लगाए हैं और वही सारे रेट मांग रहे हैं। ओपन मार्केट में जाएं जब मौका आएगा तो इससे तो कई गुना कम में रेट मिल जाते हैं। अच्छा, ओपन मार्केट में कम हो जाते हैं? ओपन मार्केट में इनके नहीं, लेकिन इन जैसे जानवरों के, ये तो फिर भी मांगते रहते हैं और लेने वाले मौजूद भी है जो इनको ले भी लेते हैं। सही है कि इनके पहले एडवांस बुकिंग होती है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये अभी एडवांस बुकिंग के लिए तो लगा है सारा? हाँ, तो बिक जाएंगे, इसमें लेने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं ऐसे, बेशक। अंकल, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत आम अपने बच्चों के साथ आए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, सारे जानवर माशाल्लाह से बढ़ के एक है। अब तक क्या वो सबसे अच्छा जानवर किसका लगा? अब के सबसे अच्छा जानवर हमें ये गेट में उसके शाहिद अफ्रीकी जो है, इनके जानवर माशाल्लाह से बहुत सबसे बेहतरीन जानवर अभी तक शाहिद अफ्रीकी के अलग उनके अच्छे लगे, बाकी सबके अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। नहीं, एक होता है ना दिल को सबसे ज्यादा पसंद, हैवी माशाल्लाह से हैवी जानवर उनका। ठीक, तो एंजॉय किया आपने यहां पे? हां, एंजॉय करा, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। जी थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बताओ ये बेटी है हमारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? आयजा। आयजा, आप बताएंगी कि आपको कैसा लगा यहां आके? अच्छा लगा। कैसी लगी आपको सारी खाओ? बहुत अच्छी लगी। कोई चाहिए आपको इसमें से? कौन सी वाली? व्हाइट वाली। व्हाइट वाली, तो पापा को बोलो दिलाएं। कुछ भी नहीं बोल रहे, नहीं दिला रहे? दिला रहे, दिला रहे हैं। ले ली? नहीं, इसके अलावा और कोई काव पसंद नहीं आ रही? इसी कैटल फॉर्म का लगा है, सूरती वालों का, और जो है ये वाला कौन सा है जो इनके हाथ में पे के, सूरती वालों का ये? जी जी, हाँ, इसी का अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू, हम लोग कब से। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ डेल्फा कैटल शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, देख के बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे अच्छा जानवर, सबसे बेहतरीन जानवर आपको किसका लगा? वैसे तो सभी हैं, जानवर सारे बेहतरीन है। हाँ जी, लेकिन एक होता है ना सबसे अच्छा लगता है यार, इंसान को बोलते हैं, इंसान बोलता है यार ये ले लूँ मैं। लेने के हैसियत नहीं है, लेनी इतनी कॉस्टली कॉस्ट है। ठीक, तो अभी तक एक कोई एक ऐसा फार्म जिसमें आपको बहुत बेहतरीन जानवर नज़र आए हों? सूरती वालों का अच्छा लग रहा है। सूरती वालों का, अभी तक के तीसरे बंदे आप हैं जो सूरती वालों की तारीफ करें। इसलिए कि वो फ्रंट पे अभी बैक पे अभी यार है। चलें जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाजरीन, तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा शो, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कराची एक्सपो में जो लगा है डेल्फा कैटल शो, जहाँ पर पाकिस्तान भर से मौजूद सारे कैटल फार्म मौजूद हैं, और यहाँ पर शाहिद अफरीदी, दिलपसंद और सूरती, हर एक अच्छे से अच्छा कैटल फार्म मौजूद है, और यहाँ पे फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा तादाद में आना जाना लगा हुआ है, बहुत फैमिलीज़ यहाँ पे इंजॉय भी कर रही हैं। तो मेरी ये आपसे राय है कि कल यहाँ पे लास्ट डे है, तो आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आइए, और बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए अपनी फैमिली को लेके, इंशाल्लाह आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, फ्रीडम न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।